हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंस्टेंट मसाला पास्ता रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर मैं एक कढ़ाई में मैंने 3 से 4 कप पानी लिया है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। जब पानी उबल जाए तब हम उसमें अपना पास्ता ऐड करेंगे। ये मैंने 1 कप पास्ता लिया है, जो पेने पास्ता है आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं। हमें इसको तब तक बॉयल करना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तब हम इसको स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करने के बाद हम इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल लगाएंगे, इसको अच्छे से टॉस करेंगे ताकि वो स्टिकी ना हो। एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जिसमें मैं 1 टीस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। जब वो मेल्ट हो जाए तब हम उसमें 1 टीस्पून ड्राई बेसिल लीव और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लेंगे। इनको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि ऑयल में उसका फ्लेवर आए। अब हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1/2 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट लेंगे। इनको हम कुक करेंगे। 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे। हमें इसे अच्छे से भूनना है। जब ये भून जाए तब मैं इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका कलर अच्छे से आए। और 2 टीस्पून मैं इसमें मैजिक मसाला ऐड कर रही हूँ। ये होममेड मसाला है, आप कोई भी मैजिक मसाला यूज कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से भूनना है। जब ये भून जाए तब मैं यहाँ पे 3 से 4 कप कैप्सिकम ले रही हूँ, जो मैंने मल्टी कलर के लिए है। आप कोई भी कैप्सिकम ले सकते हैं, बस इनको बारीक काटना है और इनको 1 से 2 मिनट तक कुक करना है। इनमें एक क्रंच रहना चाहिए, सोगी नहीं होनी चाहिए। मसाले में अच्छे से कवर हो जाए। जब ये कुक हो जाए और कवर हो जाए तब हम इसमें अपना पास्ता ऐड करेंगे। हम पास्ता को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें मसाले के साथ पास्ता को अच्छे से कोट करना है। आप इसको धीरे धीरे चलाते हुए पूरे मसाले में पास्ता को कवर करिए। इस टाइम आपको तेज फ्लेम पर पास्ता को भूनना है। जब ये अच्छे से भून जाए तब हम इसमें 1/4 कप मेयोनीज ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मेयोनीज थोड़ी स्टिकी होती है। अब आपको इसको अच्छे से चलाते हुए पूरे मसाले को पास्ता में अच्छे से कवर करना है ताकि पूरे पास्ता पे एक कोट हो जाए मसाले का, उसका वो टेस्ट आ जाए। धीरे धीरे चलाते हुए आप इसको भून लीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है, कैसे अच्छे से कोट आया है, ऑयल छोड़ चुका है ये। यहाँ पर हमारी रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार होती है। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।